मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। अरे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है। खासतौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, तो मैंने उनको कहा है कि देखो मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते हो ना, वो भी मूर्ति हो गई किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूं, वो भी तो मूर्ति, मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूं याद रखो कि ये सब के सब मींस एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है तब जानिए कि मूर्ति सफल हो गई। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहें।